हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू कैंपस एक्स। सो हमारे चैनल पर अभी हम लोग डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और रिसेंटली हमने दो टॉपिक्स कवर किए, सीएनएन एंड ट्रांसफ़र लर्निंग। और शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप सीएनएन और ट्रांसफ़र लर्निंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर विजन। तो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रखना चाहिए जिनको देख करके आप काइंड ऑफ इंस्पायर हो और आप फिर वो प्रोजेक्ट्स को बना पाओ। सो द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ कि मैं आपके सामने 10 प्रोजेक्ट आइडियाज़ लेकर आने वाला हूँ इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर विजन, और इन प्रोजेक्ट्स को आप चाहो तो बना सकते हो बाय यूजिंग सीएनएनस एंड ट्रांसफ़र लर्निंग। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले बस दो बातें आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट, इन 10 प्रोजेक्ट्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं और उनके ऊपर वीडियो भी मेरे चैनल पर एग्जिस्ट करता है, तो वो सारे वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और जो प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं बनाए हैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का मैं गिटहब लिंक खोज करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको हेल्प हो पाए। ठीक है, ऑल्सो आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करोगे, सो दैट आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर के आगे बढ़ो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में है वो एक बहुत ही सिंपल बट रेलेवेंट प्रोजेक्ट है। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज मास्क डिटेक्शन सिस्टम। सो अब वी आर लिविंग इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड और अब शायद इस प्रोजेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट एक साल पहले तक भी इट वॉज अ वेरी वेरी रेलिवेंट प्रोजेक्ट। बट कोई बात नहीं, आप चाहो तो अभी भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। द होल आइडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ दैट इट इज़ अ इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पर आप दो टाइप का डेटा अपने सीएनएन मॉडल को दिखाते हो। एक जिसमें इमेज के अंदर आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, दूसरा ऐसे लोगों का इमेज जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, और इसके ऊपर आप एक सीएनएन आर्किटेक्चर को ट्रेन करते हो और फिर आप इस मॉडल को एक वीडियो के लिए तैयार करते हो। बेस्ट ये होगा कि अगर आप इसको एज डिवाइसेस के ऊपर चला पाओ। एज डिवाइसेस का मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर नहीं होता, लाइक अर्डुइनो बोर्ड्स या रास्पबेरी पाई जिसमें एक वेबकैम लगा हुआ है। तो अगर आप ये एंड टू एंड एक प्रोडक्ट बना पाओ कि नॉट ओनली आपका सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग बट इट इज़ वर्किंग ऑन अ स्पेशल हार्डवेयर विच इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर, तो फिर इस प्रोजेक्ट को करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। नॉट ओनली आप सॉफ्टवेयर पार्ट सीख रहे हो बट साथ ही साथ आप ये भी सीख रहे हो कि एज कंप्यूटिंग काम कैसे करता है और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग को एज कंप्यूटिंग के ऊपर कैसे पोर्ट करना है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन। द गुड पार्ट इज़ कि ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इसका वीडियो बना के रखा है, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। प्रोजेक्ट नंबर 2 इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन। सो आपने शायद देखा होगा कि आज के डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके हाथ के मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाते हैं और उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप का एक्शन करते हैं। जैसे करेंटली मैं जिस टैब के सामने बैठा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टैब में ये फीचर है कि अगर मैं हाथ ऐसे करूँ तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीएनएन मॉडल को ट्रेन कर सकते हो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड जेस्चर्स। दिस कुड बी वन हैंड जेस्चर, दिस कुड बी सेकंड, दिस कुड बी थर्ड, दिस कुड बी फोर्थ। अलग अलग जेस्चर्स के ऊपर आप अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो और फिर इवेंचुअली आप उसको वीडियो के ऊपर काम करने के लिए रेडी कर सकते हो। और फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक ओपन सोर्स गेम ले सकते हो या सॉफ्टवेयर ले सकते हो और उसके कंट्रोल्स को आप हैंड जेस्चर से कनेक्ट कर सकते हो, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया हुआ है। यहाँ पर यू कैन सी देयर इज अ गाय जिसने अपने सीएनएन मॉडल को ट्रेन किया है हैंड जेस्चर डेटा के ऊपर, और अब वो अपने हैंड जेस्चर से पूरे टाइम एक मीडिया प्लेयर को कंट्रोल कर रहा है। तो अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड इमेज क्लासिफिकेशन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडिया। इसका दो नाम बोला जा सकता है। वन नेम कुड बी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम एंड सेकेंड कुड बी
रिवर्स इमेज सर्च। सो अगर आपने कभी गूगल लेंस यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा गूगल लेंस इज़ अ सर्विस जहाँ पर आप एक फ़ोटो अपलोड करते हो और गूगल उससे सिमिलर फोटोज़ आपको दिखाता है, ठीक है। इसी तरह का सेम काम पिंट्रेस्ट भी करता है और इस तरह का सेम काम बहुत सारे आपके ई कॉमर्स प्लेयर्स भी करते हैं जहाँ पर आप विजुअल रिकमेंडेशन ले सकते हो। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट पसंद है तो आप उसका फ़ोटो अपलोड करो और सिस्टम क्या करेगा कि आपको उस इमेज से जो रिकमेंड होता है, उस इमेज से जो सिमिलर फोटोज़ हैं वो आपको रिकमेंड करने लग जाएगा। तो ये आप बहुत ईजिली बना सकते हो, जितना CNN आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे बहुत सिंपल है। मैं आपको एक फ़्लो बता सकता हूँ। सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए इमेजेस का जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। आप क्या करोगे कि उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारे इमेजेस को एक CNN के थ्रू भेजोगे और फीचर एक्सट्रैक्शन करोगे टू जेनरेट एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज, ठीक है। तो आप हर इमेज के लिए उसका एम्बेडिंग निकालोगे और उसको कहीं पे स्टोर कर लोगे। अब फ्यूचर में जैसे ही कोई कस्टमर आएगा और कोई एक पर्टिकुलर इमेज को अपलोड करेगा, आप फिर से उस इमेज का डेटा लोगे और उसको अपने CNN में भेजोगे और उस पर्टिकुलर इमेज का एम्बेडिंग जनरेट करोगे विच विल अगेन बी अ लो डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इमेज। अब आप क्या करोगे, आपके पास जो सारे ऑब्जेक्ट्स का एम्बेडिंग है, वन बाय वन आप सबसे इस नए क्वेरी पॉइंट वाले इमेज का डिस्टेंस निकालोगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस और सम अदर डिस्टेंस, और जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही आपका प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, या फिर जो शॉर्टेस्ट 5 डिस्टेंसेज हैं वही 5 आपके प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बन जाएंगे, ठीक है। अगेन ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने बना रखा है अपनी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे, इसका वीडियो भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, साथ ही साथ मैं कोड भी यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू एंड सी कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। इसी का एक और छोटा सा वेरिएशन हो सकता है जो अगेन मैंने अपने चैनल पर बना रखा है, बॉलीवुड, किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी से आपका चेहरा मैच करता है, इस तरह का एक एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं जहां पर एक यूज़र आकर के अपना फोटो अपलोड करेगा और हमारे पास एक डेटाबेस होगा सारे बॉलीवुड एक्टर्स का और हम पता करेंगे कि किससे सबसे ज़्यादा उसका चेहरा मिलता है, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसेस है, हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के फेस का आप एम्बेडिंग जनरेट करोगे, जो नया बंदा आ रहा है उसके फ़ोटो का भी आप एम्बेडिंग जनरेट करोगे और एक एक करके सारे डिस्टेंसेस निकालोगे, जो भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वही सेलिब्रिटी आपका रिकमेंडेशन है। ये प्रोजेक्ट भी मैंने बना रखा है, इसका वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, सो यू कैन चेक दिस वन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज हैंडराइटिंग डिटेक्शन। सो अगर आपको याद होगा डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में मैंने आपको एमनेस्ट डेटा सेट के ऊपर काम करवाया था जहाँ पे आपका टास्क था 0 से लेके 9 तक इमेजेस को क्लासीफाई करना। अब अगर आपको कोई बोले तो आप इस आइडिया को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो कि जो नॉट ओनली 0 से 9 तक डिजिट्स को पहचानता है बल्कि और बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स को भी पहचानता है, और फिर आप इसको क्लब करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जहां पर यूज़र अगर आकर के कुछ भी हैंड रिटन लिखता है तो वो सिस्टम उसको समझ पाएगा और उन इक्वेशंस को इनफैक्ट मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व भी कर पाएगा जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। सो अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली आपको डेटा वगैरह जुगाड़ करना पड़ेगा, बट या वो कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा सीखने में। जो अगला प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सही है, मैं आपको उसकी ज़रूरत के बारे में बताता हूँ, आई नो अदरवाइज आप हंसोगे। सो इमेजिन आपने एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हो कि आपके कॉलेज के बच्चे या फिर आई डोंट नो आपके आसपास के लोग उस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को यूज़ करें, बट सडनली से आप नोटिस कर रहे हो कि देर आर सर्टेन यूज़र्स जो कुछ ऊटपटांग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, अडल्ट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, पॉर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या होगा। ऑब्वियसली जो बाकी यूज़र्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पे वो धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज उनको वो कंटेंट नहीं समझ में आएगा। तो इस चीज़ को हटाने का तरीका है कि इफ़ यू कैन बिल्ड अ NSFW डिटेक्टर, नॉट सेफ फॉर वर्क डिटेक्टर, विच इज़ बेसिकली अ इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल जो अडल्ट और पॉर्नोग्राफिक कॉन्टेंट को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब शायद आप हंस रहे हो इस आइडिया को सुन के, बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोजेक्ट आइडिया, बिकॉज आज की डेट में इंटरनेट पर जितनी भी कंपनीज है, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, सोच के देखो उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेटा सेट का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपके लिए कर दिया है। देर इज़ दिस डेटा सेट ऑन कैगल जिसमें
देर इज़ अ ह्यूज डेटा सेट अराउंड 33 GB का, जहाँ पर दोनों टाइप के इमेजेस हैं, अडल्ट कंटेंट, नॉन अडल्ट कंटेंट। आपको इसके ऊपर एक CNN मॉडल को ट्रेन करना है और फिर आप एक इमेज क्लासिफायर बना सकते हो जो वीडियो में भी और इमेज में भी दोनों में इस तरह का कंटेंट डिटेक्ट कर पाएगा और उसको बैन कर पाएगा। इनफैक्ट आप इस आइडिया को इतना एक्सटेंड कर सकते हो कि आप खुद का एक API सर्विस बना सकते हो जिस पे लोग हिट करेंगे और वहाँ पे अपना कंटेंट भेजेंगे और आप पलट के येस और नो बताओगे कि इसमें एडल्ट कंटेंट है या नहीं है। तो आई नो इट साउंड्स फनी, मैं यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी इट इज़ अ बिग आइडिया। इफ़ यू कैन वर्क ऑन दिस एंड इफ़ यू कैन बिल्ड अ गुड सिस्टम, अभी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में उससे कम पे अगर आप कर पाओ तो इट कुड बी अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट आइडिया। आई एम रियली सॉरी, फॉर ऑब्वियस रीजन्स मैं इसका डेमो नहीं दिखा सकता। और लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, जब आप ये 33 GB का डेटा डाउनलोड करो, प्लीज़ उसको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ करना। ओके, जोक्स असाइड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज पॉस्चर डिटेक्शन। सो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, यू विल बेसिकली ट्रेन अ CNN मॉडल ऑन इमेज डेटा, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के बॉडी पॉस्चर्स बताए गए हैं, खड़ा है, बैठा हुआ है, हाथ खड़ा करके है, देर आर डिफरेंट पॉस्चर्स। आप उस तरह के डेटा के ऊपर ट्रेन करोगे अपने मॉडल को एंड यू विल गेट अ पॉस्चर डिटेक्शन मॉडल विच कैन बी यूज इन सेवरल सिनारियोज। मतलब देर आर सर्टन ऐप्स जो ऑनलाइन योगा कराते हैं वो आपका पॉस्चर डिटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस जो होते हैं उसमें पॉस्चर डिटेक्ट किया जाता है, स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग जो होता है जहाँ पे बहुत अच्छी अकेडमीज में सिखाया जाता है वहाँ पे पॉस्चर डिटेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट आई कैन शो यू दिस वेरी गुड आइडिया जो किसी बंदे ने बनाया है, आई डोंट नो द नेम, ये मुझे रेडिट पे मिला। इस बंदे ने एक स्क्विड गेम जो एक बहुत फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज है उसके ऊपर इसने एक बेसिकली पॉस्चर डिटेक्टर बनाया है, जहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि वो जो एविल बच्ची है वो पीछे देख रही है, जब तक वो पीछे देख रही है ये बंदा दौड़ रहा है और दौड़ रहा है तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जैसे ही वो बच्ची पीछे देख रही है तो उसको रुकना है, तो ये सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि कब वो दौड़ रहा है और कब वो रुक रहा है। सो अगर वो दौड़ता हुआ मिल गया जब बंदी ने पीछे देखा तो फिर यू आर डेड बोल करके उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा इस गेम से, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ इसमें आ सकते हैं, जस्ट थोड़ा इमेजिन करोगे यू विल गेट आइडियाज़, बट येस दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट यू कैन बिल्ड। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ लेन डिटेक्शन इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आजकल बहुत फेमस हैं और everyone is talking about them, and I don't know if you know this or not, but जो सबसे primary technology है सेल्फ ड्राइविंग कार को बिल्ड करने के लिए वो एक्चुअली डीप लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है। सो व्हाट यू डू इज़ आप कैमरा लगा के रखते हो अपने कार के आगे और वो पूरे टाइम आगे रोड का वीडियो लेता रहता है, एंड वॉट यू डू इज़ यू ट्राई टू कैप्चर द लेन आप डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो और लेन के अंदर आप गाड़ी को स्टीयर करते रहते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द प्राइमरी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलती हैं, और ऑब्वियसली और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर हैं, LiDAR एंड ऑल, बट दिस इज़ द फंडामेंटल टेक्नोलॉजी। तो दिस एक्चुअली इज़ अ गुड आइडिया कि आप सेल्फ ड्राइविंग कार फुल फ्लेज्ड बनाने की कोशिश करो, बट उसको स्टार्ट करो आप लेन डिटेक्शन से। तो लेन डिटेक्शन इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पर यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा, वीडियो डेटा, जहाँ पे गाड़ियों ने अपने आगे कैमरा लगा करके खूब सारा वीडियो कैप्चर किया आगे के रोड का, आप उस तरह का डेटा उठाओगे और उसके ऊपर आप अपने CNN मॉडल को ट्रेन करोगे, एंड द आइडिया वुड बी टू कैप्चर लेन्स डिटेक्ट करने होंगे बोथ इन डे लाइट एंड नाइट टाइम। ओके, तो अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट यू कैन डू। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इन दिस एंटायर लिस्ट। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज इमेज टू रेसिपी जनरेटर। सो ये प्रोजेक्ट का आइडिया मुझे स्विगी की वेबसाइट से मिला। सो अपेरेंटली स्विगी इस तरह के एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है जहाँ पर वो इमेज देख करके रेसिपी जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। ऑनेस्टली मुझे खुद बहुत अच्छे से नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। मैंने ट्राई किया है थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको बस एक रफ एस्टिमेशन दे सकता हूँ कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर सकता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट अ लॉट ऑफ डेटा, अलग अलग कुजींस का आपको डेटा लाना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा
फिर से उसकी एम्बेडिंग जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उस इमेज डेटा के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस कुजीन का नाम क्या है और उसका रेसिपी क्या है। और फिर जैसे ही आप उनकी एम्बेडिंग्स जनरेट कर लेते हो यूजिंग अ सीएनएन मॉडल, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप एक नए क्वेरी पॉइंट को अपलोड करते हो सिस्टम में और फिर उसके लिए एम्बेडिंग्स जनरेट करते हो और फिर आप नियरेस्ट एम्बेडिंग को खोजते हो। जैसे कि अगर आपने प्याज पराठा अपलोड किया था और सिस्टम में आलू पराठा था, दोनों बहुत क्लोज हैं, तो रिकमेंडेशन में आलू पराठा ही सही, बट आलू पराठा आ जाएगा और आलू पराठा का सारा रेसिपी आ जाएगा। अगर सिस्टम में प्याज पराठा भी होता तो फिर प्याज पराठा रिकमेंड हो जाता और उसकी रेसिपी हमारे डेटाबेस से निकल के हम दिखा पाते। तो दिस कुड बी वन ऑफ द वेज जिसमें आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। आई एम नॉट श्योर, ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल वेज टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, आप भी दिमाग लगाना। मैंने एक डेटा सेट बनाया था इनफैक्ट इसके लिए, खुद से डाउनलोड करके बहुत सारे इमेजेस का, तो वो डेटा सेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो आपको शायद काम आ जाए। उस डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई 8th प्रोजेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स। द 9th प्रोजेक्ट इज सोशल डिस्टेंसिंग डिटेक्टर, अगेन एक कोविड रेलेवेंट प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में एज यू कैन सी, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ हो क्या रहा है कि देर इज़ अ कैमरा फीड जहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हर आदमी को हम एक ग्रीन पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। एंड आइडिया इज कि जैसे ही दो ग्रीन पॉइंट्स एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं तो वी आर कनेक्टिंग देम विद अ रेड लाइन रिप्रेजेंटिंग कि ये दोनों लोग ज़रूरत से ज़्यादा पास हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि मतलब इसका यूज़ केस क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा यूज़ केस हो सकता है कि आप किसी स्ट्रीट पर इस कैमरा को लगा दो और वो कैमरा पूरे टाइम ये फीड ले रहा है और इफ़ वो नोटिस कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में बार बार वो रेड कनेक्शन ज़्यादा बन रहे हैं तो दे कैन ऑफिशियली नोटिफाई सम पुलिस वाला गाय और समवन, और वो पुलिस वाला जाकर के वहाँ खड़ा हो सकता है और वहाँ पे लोगों को बता सकता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो अगेन पोस्ट कोविड वर्ल्ड में मे बी उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ये प्रोजेक्ट आइडिया, बट इट इज़ चैलेंजिंग इनफ कि अगर आप इसको बना लोगे तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रोजेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इन दिस एंटायर लिस्ट। सो द प्रोजेक्ट इज सुडोकू सॉल्वर। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, आप एक अनसॉल्व्ड सुडोकू का इमेज कैमरा के सामने ऐसे दिखाओगे जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो और ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम क्या कर रहा है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट कर रहा है कि कौन से जगहों पे कौन से इमेजेस हैं, कौन से ब्लॉक्स भरे हुए हैं, कौन से ब्लॉक्स खाली हैं। जैसे ये सारा इनपुट सिस्टम रिसीव कर रहा है फिर वो ऑटोमेटिकली एक एल्गोरिदम को फॉलो करके सुडोकू का सॉल्यूशन जनरेट कर रहा है और फिर आप उस सॉल्यूशन को सही जगह पे डिस्प्ले भी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक सुडोकू सॉल्वर एल्गोरिदम यूज़ कर लेते हो तो फिर शायद ये थोड़ा इजी है, बट स्टिल इस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड पूरा बना पाना मेरे हिसाब से वुड बी अ डिफिकल्ट डील। सो अगर आप इसको बना पाओ तो प्लीज़ लेट मी नो आपने कैसे बनाया। वैसे देर इज़ वन गाय जिसने बनाया है जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है, तो उसका गिटहब लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यू कैन गो टू द लिंक एंड यू कैन चेकआउट उसने ये प्रोजेक्ट को कैसे बनाया, ठीक है। तो ये रहे मेरे टॉप 10 कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऑल्सो अगर आपके दिमाग में कोई अलग आइडिया है रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन CNN तो आप उसको कमेंट में लिखो और बाकी लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।